23 की लड़ाई अब चरम पर है। दोनों ही दल जोर आजमाइश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन दोनों को डर है केवल बागियों का कि कहीं टिकट कटने की वजह से बागी नुकसान ना पहुंचा दे। बागियों की बगावत के आंकड़े वाकई नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा रहे हैं। देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, कहने को तो ये एक मुहावरा है, लेकिन कई बार इसके मायने काफी गंभीर हो जाते हैं। सियासी गुणा गणित में ये कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। मध्य प्रदेश में भले ही सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन कई बार टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी चुनावी गणित को बिगाड़ देते हैं। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने 30 से अधिक सीटों पर 10% से ज्यादा मत हासिल किया है। कई निर्दलीयों ने तो जीत और हार का समीकरण भी प्रभावित किया। आइए समझते हैं कि कैसे ये निर्दलीय प्रत्याशी कई बार खेल बिगाड़ देते हैं। 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30 से अधिक सीटों पर 10% वोट मिलता है। 2008 में 62 सीटों पर 10% से ज्यादा वोट मिला। सभी सीटों पर करीब 8.32% वोट मिला। 2008 में 3 निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे। कुल वोटों का करीब 6% वोट निर्दलियों को मिला। अब इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि 6% वोट अगर किसी एक पक्ष की तरफ आ जाता तो सरकार बनाने का समीकरण ही बदल जाता। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को मिले वोटों के आंकड़े इस बात को समझाने के लिए काफी हैं कि कैसे निर्दलीय प्रत्याशी जीत को हार में बदलने का मादा रखते हैं। 2018 में निर्दलियों को करीब 6% वोट मिले, 32 सीटों पर कुल वोटों से 10% से अधिक। 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में निर्दलियों को 5.38% वोट मिले थे। 3 उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। 33 सीटों पर 10% से ज्यादा वोट मिले थे। दरअसल अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं। कई बार बड़ी पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों की ताकत का लोहा मानते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। 2018 के चुनाव में बुरहानपुर से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह राणा और बारा सिवनी से प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाई थी, तो इस बार दोनों ही दलों ने इनकी ताकत को भांपते हुए इन्हें खुद टिकट दे दिया। सुरेंद्र सिंह राणा अब कांग्रेस में आ चुके हैं, जबकि प्रदीप जायसवाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। 23 की लड़ाई में भी बागियों की कमी नहीं है। पार्टियां डैमेज कंट्रोल की बात करती हैं ताकि कोई बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। टीम न्यूज स्ट्रीम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सीट पाटन में क्या?